मुंबई में ही रहा हूँ, पर इधर से सिर्फ 160 किलोमीटर की दूरी पर नीले समंदर के बीच एक पत्थर से बने जीत और बेहिसाब शौर्य के स्मारक पर कभी गौर नहीं किया। अपनी इसी गलती को सुधारने के लिए मैं पहले पहुंचा कोंकण तट पे बसे अलीबाग और वहां से 60 किलोमीटर के खूबसूरत सफर के अंत में मैं पहुंचा मुरुड, जो ताड़ के पेड़ों के बीच में बसा एक छोटा सा गांव है। मुरुड से ही जाया जाता है इस अजूबे से मिलने, जो आज सागर के बीचों बीच वीरान पड़ा है। और उसको मिलने का रास्ता होकर गुजरता है एक छोटे गांव राजपुरी से, जिसमें बसे लगभग सभी लोगों के परिवार किसी जमाने में उसी द्वीप पर बने किले में रहते थे, जिसको तलाशने मैं जा रहा हूं समुंदर के बीच। जी हां, समुंदर के बीचों बीच खड़ा एक किला। वैसे तो कई समुद्री किले हैं भारत के लंबे तट पर, लेकिन इस जगह की बात ही कुछ और है, क्योंकि ये एक लौता ऐसा किला है जिसे 400 वर्ष तक कोई हरा नहीं सका। जंजीरा का किला एक बहुत ही दिलचस्प पहेली, इससे जुड़ी है बहुत सारी लोक कथाएं और खूब सारे दिल छू जाने वाले किस्से, और साथ ही पहेली को सुलझाने के लिए और किस्सों की मूल घटनाओं को समझने के लिए काफ़ी सारा लिखित इतिहास भी मौजूद है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी चीज़ें मुझे समझाने के लिए मेरे साथ है एक ऐसे शख्स जो खुद जंजीरा किले में रह चुके हैं, इस कश्ती के कप्तान शबाब भाई। शबाब भाई जी, जंजीरा का नाम सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हाय हाय, अब क्या बताऊं मैं आपको, बचपन के सारे दिन जो है मैंने जंजीरे में ही बिताए हैं। लड़कपन के वो दिन आज भी याद आते हैं। कितने साल रहे हैं आप जंजीरा में? तकरीबन 5 साल में इस किले के अंदर में रहा हूँ। कब बना था ये किला शबाब भाई? ये किला 16वीं शताब्दी के अंदर में बना हुआ किला है। बहुत बड़ा है ना? जी, 22 एकड़ का किला है टोटल। कितना दूर है ये तट से? 1.5 किलोमीटर के अंतर पे आता है ये किला। और ये पानी कितना गहरा होगा? पानी तो काफी गहरा ही है, एने लोवेस्ट लो टाइड पर यहाँ का गहराई जो नापा गया है वो गहराई 40 फीट का आता है। ओ, मतलब लो टाइड पे भी आप चल के नहीं जा सकते? नहीं, बिल्कुल कभी नहीं जा सकते। जंजीरा, हैरानी की बात है कि 500 साल पहले 22 एकड़ में बना ये किला समंदर के बीचों बीच आज भी खड़ा है। इसके इतिहास से जुड़ी ऐसी कई घटनाएं हैं जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि इसकी घेराबंदी पहले लकड़ी से की गई। कैसे बनाया होगा इसे? जंजीरा किले का इतिहास काफी लंबा है। ये शुरू होता है 1490 में। पहले यहाँ सिर्फ एक पत्थर हुआ करता था। आसपास के कोलियों को समुद्री डाकू से एक सुरक्षित जगह चाहिए थी, जिस वजह उनके सरदार रामा कोली या रामा पाटिल ने एक लकड़ी से ढांचा बनाया, जिसका नाम रखा गया मेड़ेकोट। इसी मेड़ेकोट से जंजीरा किले की शुरुआत हुई, जंजीरा फोर्ट। ये किलेबंदी जो शुरू की थी वो समुद्री लुटेरों से मुरुड के गांव को बचाने के लिए थी, बट जो उसकी लोकेशन थी वो रणनीति के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा उम्दा थी। इसी के वजह से जो निज़ामशाही के जो शासक थे उनकी इच्छा थी कि इस जजीरे द्वीप पर वो अपना कंट्रोल जताए। इसी वजह से उन्होंने अपने एक सूबेदार जो पीर खां थे, जिनको पीर शाह भी कहा जाता है, उनको भेजा ताकि वो उसके ऊपर आक्रमण करके उस पर अपना कब्जा जता सके। शरद चिटनिस बताते हैं कि अहमदनगर के निज़ाम शाह ने बिल्कुल सही तरह से परखा कि मेड़ेकोट
कूटनैतिक और सैनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह। तब इस पर कब्जा करने के लिए और राजपुरी के कोलियों से इसे जीतने के लिए उन्होंने अपने सेनापति पीरम शाह को 3 जहाजों के साथ यहाँ भेजा। इसी के बाद उन्होंने एक व्यापारी का भेस में रामा कोली के पास गए और उन्होंने कहा कि हमें आश्रय चाहिए, ताकि समुंदर बहुत ही ज़्यादा तूफानी हो चुका था और उनके पास बेशकीमती सामान था जिसकी रक्षा करनी और जिसकी सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी थी। तो इसी कारण हेतु रामा कोली ने उनसे कहा कि एक रात वो रुक सकते हैं, उसमें उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं होगी। इसकी वजह से पीर खां ने उन्हें ढेर सारी शराब तोहफे में दी। तो इस शराब में वो धुत होने के बाद उन जो पटेरे थे, बक्से थे, उसमें से फिर निज़ाम शाही के जो सैनिक थे वो बाहर निकले और रात को रामा कोली के सारे सोल्जर्स, सारे सैनिकों को मारकर उन्होंने जजीरे किले पर अपना राज स्थापित कर दिया। मेढ़ेकोट की हार के साथ इस जगह पर दाखिला हुआ सिद्धि संप्रदाय के लोगों का। वे लोग इस जगह को जजीरा बुलाते थे, जिसका मतलब अरबी में होता है आइलैंड, यानी कि द्वीप। समय के साथ साथ जजीरा बन गया जंजीरा और आज यही इसका नाम हो गया है। पर कौन थे ये सिद्धि? पीर खां ने कब्जा करने के बाद नदी को का नाम बदला गया, महरूब जजीरा करके नाम दिया गया। बुरहान खान तभी उसके सूबेदार बन चुके थे। बुरहान खान ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने लकड़ी की किलेबंदी थी उसको तोड़कर उसे एक पत्थर वाले किले में बदला और उन्हीं के बाद वहाँ पे सिद्धियों का राज्य शुरू हुआ। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप।